सर, इस वक्त मिर्जापुर जनपद में मत्स्य विभाग के द्वारा क्या क्या सुविधाएं मछुआरों को प्रदान की जा रही हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी इस मिर्जापुर जनपद महाविंध्यवासिनी के क्षेत्र के मछुआरे भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश कुमार सारंग, सहायक निदेशक मत्स्य मिर्जापुर। इससे पहले मैं बनारस में था, अभी जुलाई के माह में आपके जनपद में ज्वाइन किया है मैंने। सभी मछुआरे भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने मत्स्य पालन के दृष्टिकोण और उसकी उपयोगिता को देखते हुए पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति के नाम से योजना चालू की है, संचालित की है, जिसमें सभी योजनाएं जो किसी अन्य विभागों में और अन्य योजनाओं के तहत चल रही थी, सबको एक साथ एकजुट एक छतरी के नीचे लाते हुए ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से संचालित किया है। इस योजना में हमारे मत्स्य पालक भाइयों के जो ग्राम सभा के पट्टे के तालाब हैं, अविकसित तालाब हैं, उनको विकसित करने की व्यवस्था है, और जो निजी तालाब हैं जिन मत्स्य पालक भाइयों के पास या कृषकों के पास अपनी निजी भूमि है जिनसे वो कृषि संबंधी कोई कार्य नहीं करते हैं, उनको भी तालाब के रूप में विकसित करके उसमें से मत्स्य पालन कर एक आय का अतिरिक्त स्रोत वो बना सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, एक व्यवसाय के रूप में अगर आप इसको देखें तो बहुत ही अच्छा है, एक ये आय का संसाधन है। मत्स्य पालक भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि चूंकि भारत सरकार ने अभी तालाब सुधार और निर्माण के लिए सारा का सारा धनराशि मनरेगा योजना के तहत आवंटन कर दिया है और इसी के तहत अन्य कार्य हो सकते हैं तालाब सुधार और निर्माण के, और उसके अलावा जो आपके व्यक्तिगत हित की योजनाएं हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा विवरण में। सभी मत्स्य पालक भाइयों को हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो है मछुआ दुर्घटना बीमा योजना का जो है संचालन किया जा रहा है, जिसमें वो सभी व्यक्ति जो किसी भी तरह से मत्स्य पालन की किसी भी विधा में जुड़े हुए हैं, जैसे कि वो जाल बनाने वाले हैं या मछली ले जाने और ले आने के लिए टोकरी बनाते हैं, वो नाव चलाते हैं, वो नाव बनाते हैं, कहीं मत्स्य पालन कर रहे हैं, मत्स्य विपणन कर रहे हैं, मत्स्य की खरीदारी कर रहे हैं, मछली को बेच रहे हैं, या किसी जलाशय में ठेकेदार हैं, उनके यहाँ जो संचालित करने वाले हमारे मछुआ समुदाय के लोग हैं, या जो जलाशय के या नदियों के किनारे जो हमारी मछुआ आबादी जो है निवास कर रही है, वो हमारी इस योजना के तहत जो भी 18 वर्ष से 70 वर्ष की उम्र के हों, आच्छादित होने के लिए हमारे लाभार्थी हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इस उम्र के मध्य में है वो कृपया हमारे कार्यालय से या क्षेत्रीय कार्यालय जो हमारे तहसीलों पर स्थापित हैं उनसे संपर्क करके अपना मुफ्त का बीमा करा लें। मुफ्त से ये है क्योंकि बीमा की जो प्रीमियम है वो 30 रुपये है और 30 रुपये में 15 रुपये भारत सरकार देगी और 15 रुपये राज्य सरकार द्वारा